हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। मैं सोनू, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस नॉलेज पर पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, फिजिक्स एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 2 पर मैंने लेक्चर 5 कंप्लीट कर दिए हैं और लेक्चर 6 को लेकर आपके सामने आ चुका हूं, जिसमें अगली वीडियो में हम देख चुके थे संधारित्रों के संयोजन में श्रेणी क्रम, और मैं इस बार बताने वाला हूं समांतर क्रम। इस फार्मूले को मैं प्रूव कर चुका था और इसकी बात करने वाला हूँ। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूँ, यदि आप कन्फ्यूज रहते हैं कि श्रेणी क्रम में फार्मूला ये होता है या फिर श्रेणी क्रम का फार्मूला ये है, यही आपको याद नहीं आता, या फिर आप इस पर खो जाते हैं, तो ये तो स्टूडेंट, यदि आपको ये दोनों पता है तो ये दोनों उल्टा होते हैं। श्रेणी क्रम का जैसे 1/C होता है, तो इसका श्रेणी क्रम का जो प्रतिरोध वाला होता है वो सीधा सीधा होता है। लेकिन फिर भी वीडियो के अंत में मैं इसकी एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको कभी भूले ना, आपको हमेशा याद रहे ट्रिक से कि कौन सा फार्मूला श्रेणी क्रम का होता है और कौन सा समांतर का होता है। इन चारों के लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा, वो भी वीडियो के अंत में। तो हमारा पहला मुद्दा है समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में स्टूडेंट, हमें पहले नंबर चित्र बनाना होता है। श्रेणी क्रम का मतलब होता है सीधी सीरीज, और समांतर क्रम का मतलब होता है इस प्रकार, ऊपर नीचे। तो समांतर क्रम पे मुझे 3 प्लेटें ऊपर नीचे बनाना है, तो मैं यहाँ पे 3 प्लेटें ऊपर नीचे बना ले रहा हूँ। ये मैंने 3 प्लेटें स्टूडेंट समांतर क्रम की बना दिए हैं, और इसकी धारिता जो मैं मान रहा हूँ वो C1, इसकी जो मान रहा हूँ वो C2, और इसकी जो मान रहा हूँ स्टूडेंट वो C3। इसकी क्या मान रहा हूँ? C3 मान रहा हूँ। इसके बाद स्टूडेंट मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर हम इधर से पहली प्लेट को और इस प्लेट से इन तीनों प्लेटों को एक स्थान पर ऐड कर देते हैं, और यहाँ से देते हैं प्लस क्यू आवेश। जब हम स्टूडेंट यहाँ से बिंदु ए मान लेते हैं इसे, जब हम यहाँ से प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो सभी प्लेटों में जब यहाँ से प्लस क्यू आवेश जाएगा, इसकी धारिता C1 है, तो ये आवेश Q1 कर लेगी, और जब इधर से प्लस क्यू आवेश जाएगा और इसकी धारिता C2 है, तो इधर Q2 आवेश प्रवाहित होने लगेगा। जब इधर से प्लस क्यू आवेश C3 पर जाएगा तीसरी प्लेट पर, तो यहाँ Q3 आवेश प्रवाहित होने लगेगा। इसके बाद इन तीनों प्लेटों को स्टूडेंट हम पृथ्वी से ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्हें एक बिंदु मान लेता हूँ बी है, इस पर मैंने एक बना दिया पृथ्वी, और इसी से इसे कर दिया ऐड। स्टूडेंट यहाँ पर मैंने क्या बना दिया? पृथ्वी, और उसे वहाँ पे ऐड कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट इसका जो विभव होगा, आपको पता है जब कभी क्यू आवेश अलग हो, आवेश Q1 Q2 Q3 हो तीनों प्लेटों पर, वहाँ पर V समान होगा। यदि V1 V2 V3 विभवांतर हो तो आवेश समान होगा, तो यहाँ पर V और यहाँ पर भी V हो जाएगा। अब स्टूडेंट अब बात आती है इसकी थ्योरी क्या लिखनी है, तो आपको मैं बता दूँ इसकी थ्योरी क्या लिखनी है। तो स्टूडेंट यही थ्योरी लिखनी है, माना कोई 3 प्लेटें जिनकी धारिताएं C1 C2 C3 हैं, बिंदु A से प्लस क्यू आवेश तीनों प्लेटों पर वितरित किया जाता है। देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश तीनों प्लेटों पर वितरित किया जाता है, जिससे उस आवेश से पहली प्लेट C1 पर या पहली प्लेट पर Q1 तथा दूसरी प्लेट पर Q2 तथा तीसरी प्लेट पर Q3 आवेश प्रवाहित होने लगता है, जिनका विभव समान रूप से V प्रवाहित होता रहता है। इन तीनों प्लेटों को बिंदु B से होकर पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। स्टूडेंट आपको इसकी थ्योरी क्या लिखनी है, मैंने आपको अभी बताया, समझ में आशा करता हूँ स्टूडेंट आ गया होगा। एक बार इसकी थ्योरी मैं आपको फिर से बता दूँ, ध्यान से समझना स्टूडेंट। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया है, 3 प्लेटें बनाई हैं, इसके बाद यहाँ से मैंने प्लस क्यू आवेश दिया है, इस प्लस क्यू आवेश के जाने की वजह से धारिता C1 थी, तो इस पर आवेश Q1 प्रवाहित होने लगा है, और इस पर धारिता C2 थी तो आवेश Q2 प्रवाहित होने लगा है, और यहाँ धारिता C3 थी तो यहाँ पर आवेश Q3 प्रवाहित होने लगा है। इन तीनों बिंदुओं को बिंदु B से होकर के मैंने पृथ्वी से ऐड कर दिया है, यहाँ पर पूरे का जो विभव है वो आपस में समान रूप से तीनों प्लेटों पर वितरित हो रहा है। बस यही आपको थ्योरी लिखनी है। एक बार स्टूडेंट फिर से दोहरा देता हूं,
माना कोई तीन प्लेट है जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 हैं, बिंदु A से प्लस की आवेश तीनों प्लेटों पर प्रवाहित किया जाता है, जिससे संधारित्र की पहली प्लेट पर Q1 आवेश तथा संधारित्र की दूसरी प्लेट पर Q2 आवेश तथा संधारित्र की तीसरी प्लेट पर Q3 आवेश प्रवाहित होने लगता है। इन तीनों प्लेटों को एक बिंदु बी से होकर पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। बस स्टूडेंट यही आपको लिखनी है। इसके बाद आपको करना है स्टूडेंट डेरिवेशन। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक फार्मूला होता है Q = CV या C = Q/V, यही मस्ट फार्मूला होता है स्टूडेंट इसका। यही स्टूडेंट हमारा जो फार्मूला होता है वो मस्ट फार्मूला होता है। अब हमारे पास यहाँ पर तीन प्लेटें दी गई हैं, तो इन तीनों प्लेटों की कैलकुलेशन हमें करनी होगी, तो इसी फार्मूले पर हमें पुट करना है। तो अब सबसे पहले बात आती है संधारित्र C1 या प्लेट, पहली प्लेट C1 के लिए यहाँ पर आप लिखेंगे पहली प्लेट C1 के लिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हैं पहली प्लेट की धारिता C1 है तथा आवेश Q1 है, परंतु जो विभव है V वो एक ही समान है। तो यहाँ पर इसका आवेश क्या है स्टूडेंट? Q1 है। तो यहाँ पर मैंने Q1 लिख दिया, फिर इसके बाद C, तो धारिता इसकी C1 है, तो यहाँ पर C1 लिख दिया, और फिर ये इसका विभव V है, तो इसको मैंने V लिख दिया। इसके बाद इसको मान लेता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इधर लिखेंगे दूसरी प्लेट C3 के लिए, दूसरी प्लेट C3 के लिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको लिखना होगा Q2, क्योंकि यहाँ पर दूसरी प्लेट C3 पर आप देख रहे हैं कि आवेश है Q2, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया Q2। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने लगा लिया इक्वल। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो धारिता है वो C2 है, तो अर्थात आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट पहली प्लेट के लिए, या C1 ना लिखें, पहली प्लेट के लिए, दूसरी प्लेट के लिए। तो दूसरी प्लेट में आप देख सकते हैं कि ये दूसरी प्लेट है, इसकी धारिता है C2, तो यहाँ पर मैंने C2 कर लिया, और इसका भी विभव है V, तो यहाँ पर मैंने V कर लिया, और इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आप तीसरी प्लेट के लिए। ये स्टूडेंट आपको जरूर लिखना है, ताकि आपका जो एग्जामिनर है वो आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए कि वास्तविक में इसको नॉलेज है और आपको अच्छे खासे मार्क प्रोवाइड करवाए। स्टूडेंट यही तरीके होते हैं कि 90+ आ जाते हैं, किसी किसी के 80 भी आ जाते हैं, तो वो सीधे से क्या करता है डायरेक्ट ऐड कर, वो मैं बाद में बताऊंगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर तीसरी प्लेट के लिए तो आवेश है Q3, तो यहाँ पर मैं मान ले रहा हूँ Q3, और यहाँ पर C3 × V, इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब इसके बाद चित्र का काम जो है वो समाप्त हो गया है, तो यहाँ से स्टूडेंट मैं चित्र को ख़त्म कर रहा हूँ। यदि इसके पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो चित्र का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें कुल आवेश निकाल देना है, कुल आवेश, कुल आवेश हो जाएगा Q = Q1 + Q2 + Q3। अब स्टूडेंट Q = जो फार्मूला होता है वो यहाँ होता है CV, और ये Q1 की जो वैल्यू निकाले हैं हम वो C1V, और Q2 की जो निकाले हैं C2V, और Q3 की जो निकाले हैं वो C3V। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं स्टूडेंट, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर हमें V पूरे में कॉमन दिख रहा है, तो V हम पूरे से निकाल लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पर जब हम V कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा C1 + C2 + C3, और ये V से V कैंसिल हो जाएगा, और हमारा बचेगा C = C1 + C2 + C3। यही हमें स्टूडेंट समांतर क्रम में प्रूव करके देना था। इसके बाद स्टूडेंट मैं आपको ट्रिक बताने वाला था, श्रेणी क्रम का फार्मूला कौन होता है और समांतर क्रम का फार्मूला कौन होता है। तो आप तो इसे जानते ही हैं कि समांतर क्रम का होता है, लेकिन आप भूल जाते हैं कि ये समांतर क्रम का है या फिर ये समांतर क्रम का है। तो स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि सी से होता है सीधा, सी से स्टूडेंट क्या होता है सीधा भी तो हो सकता है स्टूडेंट, सी से सीधा, ये ट्रिक है स्टूडेंट, सी से सीधा होता है, और सा से समांतर, यानी कि समांतर जो होगा वो सीधा होगा, वो भी कहे में स्टूडेंट सी से सीधा और सी से धारिता, धारिता में जो होगा समांतर क्रम वो सीधा होगा। तब वास्तविक सी बात है कि जब समांतर क्रम सीधा होगा तो श्रेणी क्रम तो यही होगा।
अब स्टूडेंट मैं बता दूं, यदि इसका समांतर क्रम सीधा होगा तो प्रतिरोध वाले का जो समांतर क्रम होगा वह सीधा नहीं होगा, वह 1/5 में होगा। और यह श्रेणी क्रम, यदि इनके दोनों को श्रेणी समांतर आप समझ गए तो आप उस जो भी वो प्रतिरोध वाला है उसको आप इसी का उल्टा किया जाता है स्टूडेंट। तो इसे आप समझ गए होंगे, सी से संधारित्र और सी से सीधा और सी से ही समांतर। तो जो समांतर क्रम होता है वह संधारित्र में वह सीधा सीधा होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यही थोड़ी थी स्टूडेंट ट्रिक जो वीडियो के अंत में बताने वाला था। आशा करता हूँ स्टूडेंट समांतर क्रम आपके समझ में आया होगा। बस स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मैं सोनू मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।